16 ईयर्स के टीचिंग करियर में मैंने बॉयज़ और गर्ल्स में एक अलग सी केमिस्ट्री को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये क्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप का सही बेस क्या होना चाहिए जब हम चार पाँच छ सात साल के होते हैं तो so, हम फ्रेंड्स बनाते वक्त गर्ल्स बॉयज इस चीजों पर ध्यान नहीं देते टीन की स्टेज में आते आते हमारा बॉयज गर्ल्स को देखने का प्रोस्पेक्टिव नजरिया ही एकदम चेंज हो जाता है ये एक बॉडी बेस्ड अट्रैक्शन का रूप ले लेता है जहां गर्ल्स बिकम वेरी केयरफुल अबाउट देयर पर्सनल स्पेस एंड सिलेक्टिव अबाउट देयर चॉइसेस एंड द बॉयज दे बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स ड्रेसअप वर्ड रिलेशनशिप एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग ले लेता है एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग बिकॉज हम बॉडी बेस्ड रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग पड़ते हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर आर रिलेशनशिप डीपर देन बॉडी बेस्ड रिलेशनशिप फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जो कई लेवल्स में पॉसिबल है कई लोगों के साथ पॉसिबल है इसका स्कोप बहुत बड़ा है इट इज़ लाइक इट इज एनॉर्मस ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो आपसे ना सिर्फ मेंटली इमोशनली कनेक्टेड हों जबकि आपको एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी मिले दैट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप एंड देर इज नो नीड टू गिव अ रिलेशनशिप अ नेम बॉयफ्रेंड है गर्ल है कॉल इट कॉल इट समथिंग एल्स लाइक डूड बडीज डीज डेज डीज नेम द ट्रेंड दी फ्रेंड्स फ्रेंडशिप एक बहुत प्यारा वर्ड है अगर इसके मीनिंग को सही से समझें और समझें ना तो कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करेगा पीपल विल बी अफ्रेड अननेसेसरलीट फ्रेंडशिप हैपन नेचुरली जैसे बचपन में हुआ करती थी अभी टीनेज में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉडी और माइंड की कनेक्शन और कंडीशनिंग पर ध्यान दें इस एज में आपका माइंड आपकी बॉडी आपको ना जाने कितनी ही डायरेक्शन में दौड़ाएगा एनर्जी लेवल्स आर सो हाई दैट यू वॉन्ट टू नो एंड डू एवरी थिंग एंड एनी थिंग दैट इज पॉसिबल अभी इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपने टीन एज बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला ही एटीट्यूड रखें पुलिसिंग की जगह पेशेंस और रिएक्शन की जगह एक्शन को दे आफ्टर ऑल वी नो दैट पॉजिटिव फ्रेंडशिप इज द बेस फॉर ऑल द रिलेशनशिप इज इंट इट चलो आपको एक बात बताती हूँ माली जब एक आम का पौधा लगाता है तो 12 से 14 मंथ्स में उसमें फूल आ जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंगली माली उन सभी फूलों को बड़े ध्यान से तोड़ देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पौधे में जल्दी ही फल लग जाएंगे जो कि पौधे को कभी पेड़ बनने नहीं देंगे और मैंगोज़ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी सिर्फ वही पौधा जिसमें पाँच से छः साल तक फ्रूट्स नहीं लगने दिए जाते फुल ब्लोन ट्रीज में बदलते हैं और उनमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो भी एक गुड क्वालिटी के होते हैं और जिन पौधों को अर्ली स्टेज में ही फ्रूट्स बियर करने अलाउ कर दिया जाता है वे कभी भी फुल ब्लोन ट्रीज नहीं बन पाते सो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे बड़े भी उस माली की तरह ही हैं जो चाहते हैं कि हम लाइफ में ग्रो करें यू शुड नॉट बी इन अ हरी इन अ रश टू डू एवरी थिंग ड्यूरिंग टीन एज कीप अ बैलेंस अ फोकस ऑन योर एनर्जी लेवल्स अभी फोकस रखोगे तो पूरी लाइफ फोकस्ड ही रखो रहोगे दोस्त बनाओ दोस्ती निभाओ और याद रखो you are going through the best phase of your life so nurture it and take out the best in you good luck and please subscribe my channel if you like my video we would like to talk about such topics in details in future too see you soon bye bye